गाइस पहले तो एक सर्कल बना लो। एक सर्कल बन गया, दो 2 मीटर के पोल लगा दो एक के ऊपर एक। एक से भी काम चल जाएगा पर मेरे को दो लगाना सही रहता है, उससे लंबी शेडो बनती है। अब ये शेडो इधर की तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसी एक शेडो चाहिए हमें लंबी सी। अब रात होने का वेट करते हैं, हमें मॉर्निंग में आकर के इसकी एक शेडो देखनी पड़ेगी कहाँ पर है, फिर वहाँ पर एक टैग लगाएंगे मॉर्निंग का। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी मेरे को अभी हमको पता नहीं है कौन सा टाइम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से धूप है ऊपर, काफ़ी देर से सन ऊपर है, तो अभी पता नहीं है कौन सा टाइम हो रहा है। तो इसीलिए हम अभी जाएंगे और रात होते ही हम एकदम सो जाएंगे। वो उधर से सनराइज़ हो रहा है, तो सनराइज़ के लिए अपने को अब इधर हम थोड़ा खड़े होकर देखेंगे कि कब इसकी शेडो बननी शुरू होती है। सनराइज़ उधर इसलिए हो रहा है क्योंकि उधर ईस्ट है। अगर मैं आपको मैप खोल कर दिखाऊँ तो इसका जो एरो है फेस कर रहा है ईस्ट की साइड, तो इसीलिए यहाँ पर सनराइज़ हमें दिख रहा है। थोड़ी देर में इसकी शेडो आना भी शुरू हो जाएगी, तो अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं। लगेगा ये देखो गोरा सूरज, अगर हम इसके ऐसे देखें तो ये हमें दिख रहा है। तो इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है। अब इसमें लगा देता हूँ प्लेकार्ड, साइन बोर्ड में ये देख लेना जो 3 डॉट्स हैं ये हमेशा आपकी तरफ हो, अगर ये अपोजिट साइड होंगे तो फिर जो लिखेगा वो बाहर की तरफ लिखेगा, इसे आप अपनी तरफ रखिएगा। अगर शेडो इस पर पड़ रही है तो हो गया मॉर्निंग, इसके अपोजिट में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा इवनिंग। शेडो इधर से आ रही है तो मैं इसके अपोजिट में सबसे इधर में लगा देता हूँ, ये हो जाएगा इवनिंग का। इन दोनों के जो बीच में इंटरसेक्शन है इस एरिया में होना चाहिए नून। अब मैं इन तीनों में लगा दूंगा प्लेकार्ड, नून और ये हो गया इवनिंग। तो ये हमारा एक सनडायल बन गया सिंपल सा। ऑलराइट गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसे न्यू वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।